हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा इंडियन क्रेडिट ऐप का। ये कैसा ऐप है, यहाँ पर हमें लोन मिल जाएगा कि नहीं, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन क्रेडिट ऐप, ये ऐप आपको गूगल पे सर्च करने के दौरान मिल जाएगा जब आप लोन से रिलेटेड सर्च मारेंगे, क्योंकि एड्स लगी है और स्पॉन्सर्ड किया गया है, तो इस वजह से ये ऊपर आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि इस ऐप को अगर जब आप खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि यहां से आपको 10,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। टाइम के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताते हैं, जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के बारे में बताते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चार्ज होगा। और लोन लेने का वही प्रोसेस है जो सारे लोन ऐप्स का होता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो दोस्तों, यहां पे एक आईडी भी दे रखी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में आपको रिव्यूज़ तो दिखेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि रिव्यूज़ इतने भी नहीं है कि आपको क्लियरली कोई चीज़ समझ में आए। और अगर रेटिंग की बात करें इसकी, तो रेटिंग इसकी कम दिखाई जा रही है और अभी इसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ से लोन ले लें तो हमें लोन मिल जाएगा कि नहीं, या फिर जिन लोगों ने यहाँ से लोन लिया उनके साथ क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा उन लोगों का। तो अगर आप यहाँ पे इनकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स देते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, और जब आप सबमिट करते हैं तो आपके साथ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि ये आपको 7 दिन का लोन भी दे सकता है और ये आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकता है। और ज़्यादातर ये होगा आपके साथ कि ये आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिव्यू में डाल देंगे, पेंडिंग में डाल देंगे, वेटिंग में डाल देंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे। और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ आपके साथ, मेरा लोन क्यों नहीं आया। या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं कि लोन आपका अप्रूव्ड हो रहा है या हो गया है और अभी ये प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, 2-3 दिन में आ जाएगा, और आप हफ्तों महीना वेट कर रहे हैं लेकिन आपका लोन नहीं आएगा। या फिर ये आपको परेशान करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि चाहे आपका लोन अप्रूव्ड हो चाहे ना हो, चाहे आपने इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अप्लाई कर नहीं किया हो और फिर आपने फिर इसको अनइंस्टॉल कर दिया, तब भी आपके पास मैसेज आएगा कि आपने लोन लिया है और आप इसको रिपे कर दें। तो ये भी आपके साथ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और लोन लिया 7 दिन वाला जो लोन है वो इतना बेकार लोन रहेगा कि आपको छोटा सा अमाउंट डालेंगे, हाई इंटरेस्ट लगाएगा, डबल अमाउंट आपसे मांगेंगे, यानी आपसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करी जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में आपको लोन रिपे नहीं करना है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है, आपको RBI पे कंप्लेंट करनी है। पहले तो आपको इनको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जब इनका कोई रिस्पांस नहीं आता तो आपको RBI को भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ पे कोई रिपेमेंट नहीं करना है। पहली बात तो जब आप यहाँ पे कुछ भी लिख कर भेजेंगे तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ID दे रखी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, बेकार है, यूजलेस है, कुछ जवाब नहीं आने वाला। इनका ना कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ना कोई ओनर डिटेल्स है, तो इनकी कोई पकड़ ही नहीं है। ये आपके साथ क्या कुछ कर सकते हैं ये आप भी नहीं जानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन लोग ने लोन दिया और फिर आपने डर के मारे लोन रिपे कर दिया, आप डरेंगे क्यों, क्योंकि ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि आपका डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास पहुंच जाएगी जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स को भी डराएंगे, धमकाएंगे, गलत गलत फोटो मैसेजेस भेजेंगे, उनके साथ भी गाली गलौज करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपसे पैसा निकलवाएं, और आप क्योंकि डर जाएंगे, सहम जाएंगे, आप डर के मारे रिपे भी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है रिपे कर भी दें। जब आप रिपे करेंगे तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि ये आपका लोन क्लोज ना करें और बार बार आपसे पैसा मांगें, या फिर बहुत कम चांस है कि ये आपके पास ज़बरदस्ती फिर से पैसा डाल दें आपके अकाउंट में, तो ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन अगर 7 दिन वाला लोन मिला तो आपके साथ हैरेसमेंट होगा, आपसे ज़्यादा पैसा वसूली करी जाएगी। अभी खैर, ज़्यादातर जो चांसेस ये है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, आप चाहे जितने अच्छे लोन रिपे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटी हो या आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो, तो ये आपका सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये लोन देने वाला ऐप नहीं है, इससे दूर रहें, क्योंकि एड्स लगा रखी है, जब भी आप सर्च करेंगे इन्हीं का ऐप ऊपर आएगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो। डाउनलोड भी नहीं करना है और लोन भी नहीं लेना है और इससे दूर रहना है, और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे तक भी पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क रह सकें और उनके साथ भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।